और बुलेटिन में आगे एक मिनट में एक खबर में आपको दिखाएंगे बलिया के बंदूक पास और किस तरीके से गजराज का आतंक की तस्वीरें सामने आई हैं। पहले पीएम मोदी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, यह आप फटाफट जान लीजिए। आज से उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है और इस समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज आपको बता दें कि समरकंद के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंघाई सहयोग संगठन के 22वें सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं, जहां पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात इस मायने में खास है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग के बीच पहली बार पुतिन और मोदी व्यक्तिगत तौर पर मिलने वाले हैं। तो वहीं एलएसी पर चीन के सैनिकों के पीछे हटने के बाद जिनपिंग से भी पीएम मोदी की मुलाकात पर सबकी नजरें होंगी। आपको ये बता दें कि एससीओ समिट में पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत के नियुक्ति पर वहां जा रहे हैं। और चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज से एससीओ समिट है और ऐसे में देखिए कई दिग्गजों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। काफी खास इस मुलाकात को माना जा रहा है। पुतिन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे व्यक्तिगत तौर पर। जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ उसके बाद ये पहली मुलाकात मानी जा रही है, इसलिए काफी अहम ये मुलाकात रहने वाली है। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात रहेगी और आपको बता दें कि इन मुलाकात से पहले एनएसए के साथ बैठक भी प्रधानमंत्री ने की। मंथन अजीत डोभाल के साथ क्या क्या है।